ये रेसिपी देखने के बाद आप इसे तुरंत बनाएंगे। ये इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। गुड्डे बिस्किट की रेसिपी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कप घी गरम कर लेंगे और इस गरम घी में डाल देते हैं गुड्डे बिस्किट। कम से कम मैं यहाँ पे दो लार्ज वाले पैकेट यूज़ करूँगी, तो जितने पैन में आएंगे अभी इतना ही डालेंगे। आप यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करें और घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म रहना चाहिए। उस हल्के गर्म घी में ही आपको बिस्किट को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये अच्छे से डिप हैं तो मुझे पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आपने घी कम लिया है तो पलटते हुए फ्राई करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिस्किट पे हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इन्हें निकाल देते हैं। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बिस्किट बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट से हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये ठंडे हो जाएंगे फिर से कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएंगे। इन्हें हम निकाल देते हैं और सेम इसी तरह से दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पे दो बड़े पैकेट गुड्डे बिस्किट का यूज़ करूँगी। और मैंने यहाँ पे ये जो फ्लेवर लिया है ये है काजू वाला फ्लेवर। इसमें पहले से ही काफ़ी सारे काजू हैं, तो हमें ड्राई फ्रूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में। तो सारे ये जो बिस्किट हैं हमने फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट हमारे फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद आपको इनको क्रश कर देना है। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं। तो किसी भी वज़नदार चीज़ से आप इन्हें क्रश कर लें इस तरीके से। ये दरदरा ही आपको क्रश करना है, बहुत ज़्यादा बारीक क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। बिस्किट को चाहें तो आप पहले थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद क्रश करें। आप देख सकते हैं बिस्किट का चूरा अच्छे से बन चुका है, ये देखिए। तो बिस्किट हमारे अच्छे से क्रश हो चुके हैं और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमें पैन में डाल देनी है आधा कप जितनी शुगर। इतनी शुगर काफ़ी है इस रेसिपी के लिए। फिर आपको यहाँ पे पानी डाल देना है एक कप। आधा कप चीनी है, एक कप पानी डालेंगे और चीनी को पानी में अच्छे से घोल लेंगे। गैस को ऑन रखें। चीनी यहाँ पे अच्छे से घुल चुकी है पानी में। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है आधा कप जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की वजह से बहुत ही टेस्टी बनेगी ये रेसिपी, तो मिल्क पाउडर को ज़रूर डालें आप। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं मिल्क पाउडर को डालने के बाद। और ये देखिए मिल्क पाउडर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। अब आपको डाल देना है यहाँ पे बिस्किट का सारा ये जो चूरा है वो डालें। बिस्किट का चूरा डालने के बाद आप इसे मिक्स कर लें। गैस को इस टाइम पे लो कर दें और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स कर दें। आपको इसे थोड़ी देर के लिए पकाना होगा, 2-3 मिनट के अंदर ये पक के तैयार हो जाएगा। इस टाइम पर बिल्कुल ये लापसी की तरह हो गया है, ये देखिए। तो बिस्किट को आप अच्छे से इसमें पका लें। जब तक ये पैन नहीं छोड़ने लगे तब तक आपको पकाना है। आप देख सकते हैं बिस्किट यहाँ पे पैन छोड़ रहा है, ये देखिए। ये जो मिक्स है ना बिस्किट का, पैन छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये परफेक्ट पक चुका है। इससे ज़्यादा आप नहीं पकाएं। गैस को मैंने बंद कर दिया है और 1 मिनट के लिए इसे पैन में चला लेते हैं। उसे क्या होगा, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इस बिस्किट में काजू पहले से ही इतने सारे होते हैं तो हमें ड्राई फ्रूट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत सारे काजू पहले से ही हैं। आप चाहें तो अपने पसंद से और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से चला देने के बाद हम यहाँ पर इस तरह का कंटेनर ले लेंगे ताकि हम इस रेसिपी को सेट कर सकें। तो इसमें आपको ये बटर पेपर सेट कर देना है ताकि हम इस रेसिपी को निकाल सकें। ये मिठाई निकालने में आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरह से बटर पेपर लगा देंगे। तो उसके बाद ये जो मिक्स है इसे डालना शुरू करेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्लैट स्पैचुला की मदद से आप इसे स्मूथ कर लें पूरी तरह से। जितना आप अच्छे से स्मूथ करेंगे उतनी ही हमारी ये जो मिठाई है वो अच्छी लगेगी दिखने में। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब आपको इसको सेट होने के लिए रखना होगा। आप चाहें तो इसे बाहर ही छोड़ सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आपको तब रखना है जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए, उसके बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं और भी अच्छे से सेट होने के लिए। तो पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे 1-2 घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये देखिए बटर पेपर लगाने का क्या फ़ायदा होता है, अच्छे से हम इसे निकाल सकते हैं बिना बिगड़े, ये देखिए। अब हम इस मिठाई को पीसेस में कट कर लेते हैं। आपकी जो मर्ज़ी है आप इसे पीसेस में काट लें, जैसे चाहें काट सकते हैं। ये देखिए ये कितनी ईजिली कट पा रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्मूथ सी मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनी है ये। इसे हमने घी में बनाया है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप घी का ही इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारे काजू हैं, काजू का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं इसे, थोड़ा सिल्वर वर्क लगा के।
आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है दिखने में, और यकीन मानिए इसका जो स्वाद है वो एकदम यूनिक आता है, बहुत ही टेस्टी स्वाद आता है इसका। और ये इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही आपकी घुल जाएगी। ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।